करियर की शुरुआत की मुमताज ने फिल्म दो रास्ते सहित कई सुपरहिट फिल्में दी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ खुशबू सांगवी। आज के ही दिन मुमताज का जन्म 1947 को मुंबई में हुआ था। 12 साल की उम्र में मुमताज ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 60 के दशक में मुमताज ने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। कई फिल्मों पर उन्होंने स्टंट हीरोइन के तौर पर भी काम किया। फिर ये रेसलर हीरो दारा सिंह की हीरोइन बन गई। मुमताज को लेकर यह किस्सा काफ़ी मशहूर रहा कि जब दारा सिंह नए नए इंडस्ट्री में आए तो उनके साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। तब डायरेक्टर ने दारा सिंह से मुमताज का नाम बताया था। दारा सिंह ने कहा, मुझे हीरोइन से नहीं केवल अपने फिल्म से मतलब है। इस दरमियान मुमताज फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री के तौर पर आ गई। दारा सिंह के साथ कई सारी फिल्में करते समय उनके ऊपर एक्शन हीरोइन का लेवल लग गया। कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें एक रोमांटिक हीरोइन के रूप में नहीं लेना चाहता था। इस तरह मुमताज धीरे धीरे सह कलाकार की भूमिका निभाती रही। इस बीच उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करने का मौका मिला। उन दिनों मुमताज और शमी कपूर के बीच अफेयर की चर्चा भी जोरों पर रही। अफवाहें यहाँ तक भी फैली कि दोनों शादी करेंगे, मगर ऐसा कभी ना हो सका। लंबे वक्त बाद एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने शमी के साथ शादी न करने की वजह बताते हुए कहा कि शमी कपूर शादी के बाद उन्हें काम नहीं करने देंगे। और ये वो समय था जब कहा जाता है कि मुमताज की फिल्में सुपरहिट हो रही थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी खूब जमी थी। फिल्म दो रास्ते की कामयाबी के बाद इन दोनों ने एक के बाद एक लगातार 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने मयूर माधवानी को वर्ष 1974 में अपना जीवन साथी चुन लिया। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत।